हेलो गाइस, वेलकम टू शाहिना किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बिहार की रेसिपी, लिट्टी चोखा। गर्मा गर्म लिट्टी चोखा और घी में डिप की हुई। ज़रूर खाइए इस रेसिपी को और आइए मेरे साथ, हम बनाते हैं ज़बरदस्त लिट्टी चोखा। इसको आप अलग अलग तरीके की चटनी के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए एंड फॉलो मी इन माई किचन। हे गाइस, वेलकम टू शाहिना किचन। आज हम बना रहे जा रहे हैं बिहार की बहुत ही स्पेशल डिश, लिट्टी चोखा। सो आप सोच रहे होंगे मैंने इतना सारा सामान क्यों बिखेर रखा है। सो हम बनाने जा रहे हैं लिट्टी चोखा चटनी। तो मैं बहुत अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज कैसे कैसे बनाना है, सो दैट आप अच्छे से रेसिपी को एंजॉय कर सके और बना सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं, जो लिट्टी का जो सामग्री होगा उसमें जो फिल करने के लिए चाहिए। गेहूं का आटा है, मैंने ये आटा 2 कप के करीब लिया है। उसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब घी मिलाऊंगी। आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं, बट घी से आटा बहुत खस्ता होता है इसलिए मैं घी ले रही हूँ। इसके साथ मैं नमक लूंगी जो कि टेस्ट के हिसाब से होगा, और इस बात का ध्यान रखें कि जो सत्तू मैं सानूंगी उसमें भी नमक होगा, तो इसके हिसाब से ही नमक आप लें। और घी और नमक को पहले हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, मैंने बहुत चुटकी भर खाने का सोडा लिया है, जो जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। ये हम इसलिए डाल रहे हैं सो दैट बहुत जो हमारी लिट्टी है वो अच्छे से फूले। तो ज्यादा अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आटे को ज्यादा देर तक गूंद के या 2 चम्मच दही भी मिक्स कर सकते हैं, बट अदरवाइज भी चलेगा। सो मैं आटे को, देखिए घी और नमक को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब ये देखिए इस तरीके से मिल गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी देकर आटे को गूंद लूंगी। ये देखिए आटे को अच्छे से थोड़े थोड़े पानी के साथ सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो गाइस देखिए सॉफ्ट डो तैयार है, ये देखिए। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ, ढक कर रखूंगी। और आइए अब हम सत्तू का मसाला तैयार करते हैं। अब मैंने लिया था 2 कप आटा, तो मैंने 1.5 कप सत्तू लिया है। अब ये इस सत्तू को बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस, सत्तू के मसाले के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज, अदरक, अदरक मैं दिखाऊंगी मैं कितना लूंगी, लहसुन, हरी मिर्च। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को चॉप कर लेती हूँ। सो मैंने एक चॉपर लिया है, उसमें मैं रफली चॉप करके डाल दूंगी चीजों को। चॉपर से बहुत इजीली हर चीज चॉप हो जाता है बिना ज्यादा एफर्ट किए। सो हरी मिर्चें मैं टेस्ट के हिसाब से लूंगी, आपको अगर तीखा कम खाना है तो कम लीजिए मिर्चें, ज्यादा खाना है ज्यादा लीजिए। सो मैं एवरेज तीखा ले रही हूँ, तो मैंने 6 हरी मिर्चें ले ली हैं। अब मैं अदरक लहसुन बता देती हूँ। सो 6-7 जवे लहसुन के मैंने ले लिए हैं। अब ये अदरक का इतना पीस मैं लूंगी, उससे ज्यादा नहीं लूंगी। इसको भी मैं स्लाइस करके डाल दूंगी, थोड़ा सा और ले लेती हूँ, कम लग रहा था, ये लीजिए। अब इन सारे मसालों को मैं चॉप कर लूंगी, बारीक चॉप करना है। तो गाइस देखिए मसाले कितने अच्छे से बारीक चॉप हो गए हैं, हमें इतना ही चाहिए, ये देखिए। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं सत्तू में ऐड करूंगी। सो जितने भी मसाले मैंने चॉप किए हैं मैं ये सत्तू में डाल दूंगी। अब इसके साथ मैं लूंगी थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1/2 टीस्पून के करीब है। मैंने अचार का मसाला लिया है, तो ये देखिए अचार के मसाले से सत्तू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी मैं फिलहाल तो इतना ही ले रही हूँ, टेस्ट करके फिर मैं लूँगी। अब ये मैंने अजवाइन और कलौंजी लिया है, 1/2 टीस्पून है, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये थोड़ा मैंने चाट मसाला लिया है, ये 1/4 टीस्पून, ये भी मैं इसमें डालूंगी। अब मैंने नमक 2 तरीके के लिए हैं, वाइट एंड काला नमक। तो काला नमक, पहले वाइट नमक मैं 1/2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ,
फिर काला नमक हाफ टी स्पून। आप ध्यान रहिए कि आटे में भी नमक है तो टेस्ट आप जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा ना हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सरसों का तेल भी इसमें डालूंगी। ये देखिए 1.5 टीस्पून के करीब सरसों तेल था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब सारे मसालों को मैं बहुत अच्छे से मिला के मैश कर करके मैं मिक्स करूंगी। सो गाइस देखिए मसाला मिक्स हो गया है। अब देखिए ये थोड़ा ड्राई सा लग रहा है, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी। इतने ड्राई नहीं चाहिए वरना मुंह में फंसेगा, तो मैं इतना ड्राई नहीं चाहिए। मैंने 2 टीस्पून पानी लिया है, जरूरत पड़ने पे आप और भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये होना कैसे चाहिए। अब मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स करूंगी। सो ये देखिए मसाला तैयार है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मसालों को जब आप यूं करेंगे ना तो इस टाइप से आना चाहिए, दैट मीन्स ये सही है, इतना ही हमें वेट चाहिए, इससे ज्यादा और पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड करने के लिए थोड़ा हरा धनिया चॉप करके डाल दूंगी। हरा धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अब ये मेरा सत्तू का मसाला भी तैयार है, अब मैं चटनी की तरफ बढ़ती हूँ। ये देखिए मिक्स हो गया है, इसको भी मैं साइड में कर देती हूँ। ये देखिए गाइस, आइए अब हम भरते की तैयारी कर लेते हैं। सो मैंने देखिए ये 5 टमाटर लिए हैं, सबके ऊपर मैंने ऑयल से कोट कर दिया है। बैंगन को भी मैंने ऑयल से और थोड़ा थोड़ा चीरा लगाया है, इसको भी मैंने ऊपर से ऑयल से कोट कर दिया है। अब मैं एक और चीज करने वाली हूँ, जो चीरा मैंने लगाया है उसमें मैं हरी मिर्च को भर दूंगी, हरी मिर्च और लहसुन को। इससे क्या होगा ना कि हरी मिर्च और लहसुन अच्छे से पक जाएंगे बैंगन के साथ। सिमिलरली हर चीरे में मैं यही करूंगी। ये बहुत अच्छा तरीका है लहसुन और मिर्च को पकाने का, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। सो इसलिए मैं अपनी मम्मी की रेसिपी यहाँ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए अब मैं इस बैंगन को आग में ही पकाऊंगी। अब बैंगन को ये मैंने जाली की मदद से आग में पकाऊंगी। ये देखिए बैंगन के साथ ही मैं टमाटर को रख दूंगी ताकि ये साथ ही में पक जाए। देखिए पकना स्टार्ट भी हो गया है। अब ये आप देख रहे हैं प्याज, प्याज को भी मैं आग में पकाऊंगी और आग में रख के इसको धीमे धीमे घुमाते रहिए ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से पक जाए। सो गाइस देखिए कितने अच्छे से ग्रिल हो रहा है, सिक रहा है बैगन, आधा सिक चुका है, कुछ टमाटर सिक चुके हैं। इसी तरीके से सारे टमाटर और बैगन को अच्छे से सेक लूंगी मैं। सो गाइस देखिए कितने अच्छे से ये गल चुका है। अब मैं इसका छिलका उतार लूंगी, छिलका उतार के फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे चटनी बनाने वाली हूँ। सो गाइस देखिए कितने अच्छे से छिलके उतर गए हैं। अब मैं अलग अलग चटनी बनाकर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी, तो मैं चॉपर में 2 टमाटर ले लूंगी और इसको बस थोड़ा सा स्लाइस करके चॉपर में चॉप कर लूंगी। सो गाइस देखिए टमाटर कितने अच्छे से ग्राइंड हो गया है, ये चॉपर की मदद से मैंने किया है। अब इस टमाटर में मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी, आधा छोटा प्याज में डालूंगी, नमक और हरा धनिया, तो मेरी टमाटर की चटनी तैयार हो जाएगी। ये देखिए सो गाइस देखिए ये टमाटर की चटनी में मैंने बारीक कटा प्याज डाला है, 1 जवा लहसुन बारीक काट के डाला है, 1 हरी मिर्च और हरा धनिया। अब नमक मैं खाने के टाइम ही ऐड करूंगी वरना वो पानी पानी सा हो जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि सलाद हो गई, चटनी हो गई, ये पहले से ही नमक ऐड करके ना रखें, अदरवाइज पानी छोड़ता है। ये देखिए टमाटर की चटनी में अभी हम नमक नहीं ऐड करेंगे, खाने के टाइम ऐड करेंगे। अब आइए हम बैंगन का भरता तैयार करते हैं। मैंने बैंगन, जो उबले बैंगन थे, मैंने चॉपर में डाल दिया है। अब ये चॉपर बहुत मल्टीपर्पज चॉपर है, बहुत ही ईज कर देता है हर चीज को चॉप करना और भरता वरता बनाना। तो मैं इसमें 1 बैंगन मैंने डाल दिया है, 2 टमाटर डालूंगी,
और जो मैंने प्याज को भुना था उसे भी पीस पीस करके डाल दूंगी। और गाइस देखिए आग में भुनी हुई मिर्च है, बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है इससे। और ये देखिए लहसुन जो मैंने सेका था आग में, इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसको चॉप कर लूंगी। सो गाइस देखिए बैगन अच्छे से मैश हो गया है। अब क्योंकि मिर्ची कम थी तो मैं दो हरी मिर्च मैंने और अलग से डाला है। अब क्योंकि मैंने आलू भी बॉईल किया था वो तो मैंने डाला नहीं था, वो इसलिए कि थोड़ा बैगन अच्छे से मैश हो जाए, उसके बाद मैं आलू भी डालूंगी। अब मैं इस टाइम पे आलू डाल देती हूँ। सो गाइस देखिए बैगन का भरता भी तैयार है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें डालना बाकी रह गया है, सरसों का तेल। बैगन के भरते में सरसों का तेल ना जाए तो फिर वो देसी भरता नहीं कहलाता। तो मैं ऊपर से एक स्पून कच्चा सरसों का तेल डाल दूंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया नमक मैं बाद में ऐड करूंगी। अब इसको मैं एज इट इज मिक्स करके रख दूंगी। अब जब नेक्स्ट चटनी हम बनाने जा रहे हैं वो है हरा धनिया की चटनी। सो गाइस अब हरा धनिया को हम मिक्सर ग्राइंडर में ही पीसेंगे। मैशर से तो हमने दो चटनी बना ली। अब मैंने हाफ बंच ऑफ हरा धनिया लिया है, इसमें मैं हरी मिर्चों को काट के डालूंगी। ये देखिए आप टेस्ट के हिसाब से तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चार हरी मिर्चें ली हैं। अब इतना छोटा मैं अदरक का पीस हाफ इंच के करीब इसको ऐसे बारीक काट के डाल दूंगी। अब जो मैंने टमाटर एक जो छोड़ दिया था अब उसको भी इसमें डाल दूंगी। और इसमें थोड़ा सा आधी नींबू का रस भी डालूंगी। अब चटनी को मैं नमक के साथ पीसूंगी सो दैट सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं, ताकि चटनी हमारी बहुत मजेदार बनकर तैयार हो। सो गाइस मैंने हाफ टी स्पून के करीब नमक ले लिया है, आप टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको पीस लूंगी। सो गाइस लीजिए चटपटी हरी चटनी तैयार है। ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज बनाने वाले हैं, अब लिट्टी चोखा है तो मिर्ची तो होना बनता ही है। सो मैं हरी मिर्चों को बीच से स्लिट लगाकर नमक डालकर फ्राई करूंगी। सो गाइस मैंने 1 टीस्पून ऑयल ले लिया है सरसों तेल। अब इसमें मिर्चों को मैं डाल दूंगी। देखिए अब मिर्चें होंगी अच्छे से फ्राई। सो गाइस देखिए मिर्चें हो गए अच्छे से फ्राई। अब इसको अलग कटोरी में निकाल लेती हूँ मैं। आइए अब लिट्टी बना लेते हैं। सो अब मैं इसमें आधा नींबू का रस भी डालूंगी। हम पहले से डाल के गलत करते हैं, लास्ट में ही डालना सही रहता है सो दैट ज्यादा कड़वापन ना आए। क्योंकि अचार हमने ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है तो नींबू हम बाद में डालेंगे। पहले इन बीजों को मैं निकाल दूं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे इस स्टेज पे नमक टेस्ट कर सकते हैं, मैंने कर लिया था, नमक परफेक्ट है। सो गाइस आइए लिट्टी बना लेते हैं। ये देखिए लोहे का साइज, मैंने इतना छोटा पेड़ा लिया है। अब इसको मैं सूखे आटे को लगाकर ऐसे राउंड राउंड बना लूंगी। ये देखिए एक कटोरी टाइप बन गई है। अब इसमें मैं फिलिंग डालूंगी। मैंने इस स्पून से भरकर 1 स्पून लिया है। ये देखिए ये दबा दबा के मैं अच्छे से भरूंगी। ये देखिए साइड से दबा दबा के ये रहा जो एक्स्ट्रा, इसे आप यूं करके निकाल लीजिए और यूं हल्के हाथ से गोल गोल ये बना लीजिए लिट्टी। लिट्टी बनाना भी आप अपने आप में एक त्यौहार जैसा है। लिट्टी बनाकर पूरे परिवार के साथ खाना अलग ही खुशी मिलती है। तो ये देखिए इस टाइप से मैं और भी पेड़े बना लूंगी।
सो गाइस देखिए, मैंने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसको मैं धीमी आंच पे सेकूंगी। सो गाइस देखिए, ये अपम पात्रा है, ये गर्म हो गया है। इसमें हल्का सा ब्रश करके मैं इन पेड़ों को इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास ये बर्तन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुकर में भी ऐसी बेस करके बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें डाल दूंगी मैं। अब इसको मैं धीमी धीमी आंच पे सिकाई करूंगी। सो गाइस देखिए, लिट्टी को मैंने ढक दिया है। ये देखिए, अब ये धीमी धीमी आंच पे गलेगा। अब बीच बीच में आप इसको चेक जरूर करिएगा, जैसे जैसे उलट पुलट कर करके इसको हम ब्राउन करेंगे। देखिए, मैंने लिट्टी को पलट दिया है। अब इसको धीमे धीमे ऐसे चला हिलाते हिलाते चारों तरफ से अच्छे से सेकना है। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। ऐसे ही हम सारे लिट्टियों को सेक लेंगे। और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इधर भी कलर आ रहा है। अब ये थोड़ा सा साइड करके सेक लीजिए, इससे बहुत अच्छे से चारों तरफ सिक जाएगा। गाइस देखिए, जबरदस्त लिट्टी तैयार है। चारों तरफ से देखिए कितने अच्छे से सिक गया है और बिल्कुल गोल गोल हुए हैं ये लिट्टी। मैंने छोटा छोटा बनाया था और ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। ये देखिए, अब आइए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि हमें इसे खाना किस तरीके से है। सो लीजिए गाइस, जबरदस्त लिट्टी चोखा तैयार है। और आप देख ही सकते हैं, लिट्टी, हरी मिर्च, टमाटर की चटनी, हरा धनिया की चटनी, बैंगन आलू का भरता, और इससे ट्रेडिशनल खाना कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ बिहार में फेमस नहीं, बिहार के अलावा हर जगह ट्रेडिशनल फूड बहुत ही फेमस है। और आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। सो गाइस, आप भी मेरे तरीके से बनाइए एंड एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। एंड जिसने भी मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को शाहिना किचन, एंड लाइक एंड शेयर माय रेसिपी। बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए सो दैट मेरी रिसेंट अपलोडेड वीडियो फ्री में आप देख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग शाहिना किचन। यू हैव अ ग्रेट डे।